हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। और गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनबोर्डिंग के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे आपके सवाल आ रहे थे यार, ऑनबोर्डिंग अगर मिस कर दिया तो क्या हुआ यार, इस मेल का मतलब समझा दो, ऑनबोर्डिंग का मेल आया है इसमें क्या होगा, प्रोसेस क्या है एंड इसके बाद का प्रोसेस क्या है, बहुत सारे ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड सवाल आ रहे थे, तो इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो गाइज, अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कि मैं प्लेसमेंट से रिगार्डिंग मैं बहुत सारे कंटेंट अपलोड करते रहता हूँ, स्पेशली विप्रो से रिलेटेड मैं बहुत सारे कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड डाउट हो रहा है तो मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट के अंदर विप्रो Q&A के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पर आपके सारे सवाल जो भी आपको डाउट आ रहे होंगे उसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, सारे आपके जितने सारे सवाल होंगे। कई बार मैं लाइव सेशन करते रहता हूँ, लाइव में लाइव सेशन को भी आप देख सकते हैं, वो वहाँ पे अपलोडेड है, तो वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं। बट इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम जो ऑनबोर्डिंग के ऊपर, तो उस पर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ओके, सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं यार ऑनबोर्डिंग क्या होता है। तो बेसिकली ऑनबोर्डिंग एक समझ लो कि ज्वाइनिंग से प्री प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें आपका ज्वाइनिंग फॉर्म फिल कराया जाता है। टोटल टोटल 11 फॉर्म होते हैं, 11 ज्वाइनिंग फॉर्म होते हैं, उसी को फिल करवाया जाता है, उसी को ऑनबोर्डिंग कहते हैं। एंड ऑनबोर्डिंग में बेसिकली होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। तो देखो, ऑनबोर्डिंग में बेसिकली सबसे पहले आपको मेल आ जाएगा ऑनबोर्डिंग का, कि इस पर्टिकुलर डेट में, अभी 16 मई को अभी बहुत सारे लोगों का ऑनबोर्डिंग का मेल आ चुका है। तो जिस दिन आपका ऑनबोर्डिंग रहेगा उससे पहले आपको मेल आ जाएगा, 15 डेज पहले आ जाता है मेल। एंड देन आफ्टर, उसी आपका इम्बार्क पोर्टल पे जाके एक्सेस करके आपको उस फॉर्म को फिल करना होता है। ओके, तो इस फॉर्म को अगर पहले, अगर ऐसा बोल दिया गया है कि आप पहले फिल कर देना है, देन आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, वेट करना है ऑनबोर्डिंग का। आप ऑनबोर्डिंग के डे भी उस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बट अगर ऐसा मेल आ गया है आपको कि यार फॉर्म को पहले आपको फिल कर लेना है, देन यू शुड हैव टू फिल दैट फॉर्म। तो यार फिल कर लेना बेटर होगा। एंड लेट सपोज कि उस फॉर्म को फिल करने में कोई भी एरर आ जाता है, कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उसको रिजॉल्व करने का एक सिंपल तरीका है जो कि आप स्टार्टिंग से यूज करते आ रहे हो, manager.campus@bipro.com। ओके, यही एक ऑप्शन है जहाँ पे आप सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर लेट सपोज यहाँ पे आप मेल किए, मेल करने के बाद जो फॉर्म रिसीव होता है, फॉर्म को भी सबमिट कर दिए एंड कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर क्या करना है यार। देखो मैं बता दूं, एक बार में अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तो आपको मल्टीपल टाइम ये चीज़ को करना है, आपको मल्टीपल टाइम उस पर्टिकुलर फॉर्म को सबमिट करना है। एक बार में सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप 2, 3, 4 बार करेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन हो जाएगा, बिकॉज कि सबका सॉल्यूशन वही है। ओके, तो अगर आप मेल करने से अगर आपका जो भी प्रॉब्लम होता है, हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, वहाँ पर जो भी इशू आपका आ रहा है ना उसका स्क्रीनशॉट जरूर मेंशन करना, ताकि उनके लिए इजी साबित हो सके, इजी हो सके कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ओके, तो ये चीज़ें कर लेना। ऑनबोर्डिंग के डे बेसिकली क्या होता है, ऑनबोर्डिंग के डे बेसिकली बहुत सारे आपका सेशन होता है, एक लाइव सेशन होता है, वेबएक्स पे आपका हो सकता है, किसी पे हो सकता है, तो उसमें आपका उनके तरफ से, विप्रो के टीम के तरफ से बहुत सारे टेक्निकल टीम होते हैं। अगर कोई भी इशू आपका फेस कर रहे थे, लेट सपोज आपका मेल के थ्रू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो उस पर्टिकुलर डे के दिन आपका रिजॉल्व हो जाए। बाय बहुत सारे लोगों का ये भी इशू होता है कि यार मैं कुछ डेटा है जो सबमिट किया है वो गलत सबमिट कर दिया हूँ, लेट सपोज डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग है, या लोकेशन रॉन्ग हो गया, या मान के चलो नेम में मिस्टेक है, तो अगर वो चीज़ें सबमिट कर दी हैं तो फिर वो एक बार जब सबमिट कर देते हैं तो एडिटेबल नहीं होता है, आप नहीं कर सकते उसको एडिट। तो क्या होता है, ऑनबोर्डिंग के डे टेक्निकल टीम होती है, अब उनको बताओगे, आप उनसे बातें कर सकते हो, ठीक है, उनको बताओगे कि इस पर्टिकुलर फॉर्म में आई हैव डन मिस्टेक, देन वो आपको एक मेल भेजेंगे जो कि रीजनरेट का होगा, एंड वो मेल के थ्रू आप यू विल बी एबल टू एडिट दैट पर्टिकुलर फॉर्म। तो बस सिंपल तरीका है यार, उस दिन आपका रिजॉल्व हो जाएगा, जो भी आपका डाउट है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा था, वो सारा ऑनबोर्डिंग के डे रिजॉल्व हो जाता है। ओके, एंड लेट सपोज कि मान के चलो ऑनबोर्डिंग हो गया, तो ऑनबोर्डिंग के बाद का प्रोसेस क्या है, तो ऑनबोर्डिंग में आपका ज्वाइनिंग फॉर्म हो गया, उसके विद इन 1 वीक, ओके, बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, बहुत सारे बैच का 2 डेज, आफ्टर 2 डेज या मे बी 1 वीक और मे बी 2 वीक, विद इन 1 से 2 वीक के अंदर में आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। एंड उस दिन ज्वाइनिंग के दिन बेसिकली आपका बेसिक आपको ADID दिया जाएगा। ओके, एम्प्लॉई ID का मेल वगैरह आता है, एंड ADID का मेल आने के बाद आपका जो है वो विप्रो का एम्प्लॉई बन जाते हैं। ओके, एंड विप्रो का एम्प्लॉई बनने के बाद आपका उस पर्टिकुलर मंथ से आपका पेमेंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका PRP का ट्रेनिंग होता है, तो उसमें आपको ट्रेनिंग का भी पैसे मिलते हैं, बट बिफोर द ज्वाइनिंग कोई पैसा नहीं मिलता है।
सो बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट हो रहा था, होप सो कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। और गाइज अगर यार वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, और एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ हो इस पर्टिकुलर वीडियो से तो उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि उसका उन लोगों का भी हेल्प हो जाए जो कहीं पे स्टक हो गए हैं या ट्रबल कर रहे हैं। कोई ग्रुप होगा तो उसमें शेयर कर देना, ताकि सबका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा जो भी डाउट हो रहा है। एंड PRP एंड ऑल से रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप शेयर कर सकते हो उस वीडियोज़ को, ताकि उनका हेल्प हो जाए। एंड गाइस वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? एंड कोई और डाउट बहुत बच गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड आप वहाँ पे मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसके अलावा आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे आप कनेक्ट होना चाहते हो तो सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ताकि मैं जब भी लाइव आता हूँ तो वहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। ओके सो गाइस जैसा भी लगा वीडियो यार फीडबैक जरूर देना, ठीक है? एंड तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस।